अगर इस सेल इनवॉइस को क्रिएट करते समय मुझे अपने कस्टमर को एक ड्राफ्ट इनवॉइस या आप कह सकते हो परफॉर्मा इनवॉइस देना हो तो हम क्या करेंगे? तो अब परफॉर्मा इनवॉइस या ड्राफ्ट इनवॉइस चेक करने के लिए हमें कौन से टैब में जाना है? हमें प्रिंट एंड सेंड टैब में जाना है। आप चेक कर सकते हो ड्राफ्ट इनवॉइस और डिफरेंस बिटवीन द ड्राफ्ट इनवॉइस एंड परफॉर्मा इनवॉइस आप गूगल कर लो या कोई भी आप जो भी वेब ब्राउजर यूज कर रहे हो वो यूज कर लो और सर्च कर लो, तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि एक जो परफॉर्मा इनवॉइस होता है वो आप कस्टमर को सेंड कर सकते हो और ये एक तरह का वेटिंग प्रोसेस है, वेटिंग टू बी फाइनलाइज्ड परफॉर्मा इनवॉइस अभी कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन आप कंफर्मेशन के लिए इनवॉइस परफॉर्मा इनवॉइस जनरेट करके दे सकते हो अपने कस्टमर को विदाउट पोस्टिंग और रिकॉर्ड ऑफ सेल इनवॉइस इनटू योर सिस्टम। ड्राफ्ट इनवॉइस प्रिलिमिनरी आउटलाइन है ऑफ द सेल ओनली फॉर योर रिकॉर्ड्स, तो ये आप चेक कर सकते हो। और अब पीसी में आप क्या कर सकते हो, आपको ये इनवॉइस निकालने हैं, आप यहाँ पे आओ चेक करो। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले प्रिंट एंड सेंड बटन पे क्लिक करना है, ड्राफ्ट इनवॉइस में क्लिक करना है। अगर आपको ड्राफ्ट इनवॉइस चाहिए और तो आप ये इंफॉर्मेशन जो डायलॉग बॉक्स आ रहा है रिपोर्ट जनरेट करने से पहले जो आपके पास एक प्री रिपोर्ट जनरेशन डायलॉग बॉक्स आता है वो आ गया है, ऑप्शंस में आप चेक कर सकते हो। अगर आर्काइव करना चाहते हो तो आप आर्काइव भी कर सकते हो और अगर आप डायरेक्ट प्रीव्यू करना चाहते हो तो प्रीव्यू करके देख लो, सेंड टू करना चाहते हो तो सेंड टू एक्सेल वर्ड एक्सएमएल जो ऑप्शंस हैं आप वो कर सकते हो। तो ड्राफ्ट इनवॉइस में जाएंगे, प्रीव्यू करके चेक करेंगे कि ड्राफ्ट इनवॉइस में बिजनेस सेंट्रल में हमें क्या मिल रहा है। आप इसे इंक्रीज कर सकते हो, साइज थोड़ा बड़ा करके चेक करो। ड्राफ्ट इनवॉइस का एक लुक एंड फील आप चेक कर सकते हो, डेट आ रही है, स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट नंबर यानी कि इनवॉइस नंबर आ जाएगा, जो भी पर्सन है उसका नाम आ रहा है जो कस्टमर है लेफ्ट हैंड साइड और उसका डिटेल्स आ रहा है एड्रेस से रिलेटेड डिटेल्स। नेक्स्ट आप कंपनी, ये जो मैंने सैम्पल कंपनी डेमो कंपनी के लिए क्रोनस है, क्रोनस इंडिया आप देख सकते हो, एड्रेस एंड कंपनी का नेम आ रहा है और योर रेफरेंस फिर जनरेट होगा। अगर आपने कोई रेफरेंस नंबर डाला है तो रेफरेंस आ जाएगा। पेमेंट टर्म्स मैंने करंट मंथ लिया है, शिपिंग मेथड मैंने कुछ चूज नहीं किया अभी और आइटम्स लगे हैं, आइटम कोड डिस्क्रिप्शन क्वांटिटी यूनिट ऑफ मेजर पीसेस में है, यूनिट प्राइस आप चेक कर सकते हो और अभी मैंने कोई टैक्स वगैरह नहीं लगाया है और क्वांटिटी इनटू रेट इक्वल टू वैल्यू यानी लाइन अमाउंट जनरेट हो रही है, टोटल वैल्यू जो है वो 312,350 है। अब आप इसे कैंसिल कर सकते हो और वापस हम आ जाएंगे सेकेंड जो फॉर्मेट है, जो दूसरा फॉर्मेट है प्रोफॉर्मा इनवॉइस। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि कभी कभी जो कस्टमर्स होते हैं वो फाइनल बिलिंग वाले जो इनवॉइस होते हैं, टैक्सेशन इनवॉइस आप कह सकते हो, उस इनवॉइस के पहले वो आपको बोलते हैं कि मेल पे मुझे प्रोफॉर्मा इनवॉइस भेज दो, तो वो लेआउट भी चेक कर लेंगे और जो क्वांटिटी रेट वैल्यू है आइटम की वो भी उस इनवॉइस के थ्रू चेक हो जाएगा। तो एक्सक्लूडिंग टैक्सेशन भी अगर आप भेजना चाहते हो कंफर्मेशन के लिए बिफोर जनरेटिंग एन इनवॉइस कन्वर्टिंग इनटू टैक्स इनवॉइस आप इसे चेक कर सकते हो। रिव्यू करना है आपको, क्या चेक करना है, इस बार परफॉर्मा इनवॉइस बटन पे क्लिक करना है, प्रीव्यू करना है, इसे आप बड़ा कर सकते हो, इंक्रीज बटन पे क्लिक कर दो, बड़ा हो जाएगा और अब हम देख सकते हैं परफॉर्मा इनवॉइस नंबर आ रहा है 104x2, आज की डेट आ रही है, एक पेज जनरेट हुई है, एक आर पेज आ रही है दिख रहा है स्क्रीन पे, क्रोनस कंपनी का नाम आ रहा है और पार्टी का नेम लेफ्ट हैंड साइड आप देख सकते हो, नेम एंड एड्रेस, राइट हैंड साइड कंपनी का जो डिस्पैच कंपनी है जो सेलर कंपनी है उसका नेम एंड एड्रेस राइट हैंड साइड आ रहा है। अगर आप वैट के अंदर रजिस्टर्ड हो तो वैट से रिलेटेड रजिस्ट्रेशन, अगर आप जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड हो क्योंकि अब हमारी कंट्री में जीएसटी फॉलो हो रहा है तो जीएसटी के अंदर आ रहे हो तो आपको रिपोर्ट को थोड़ा सा कस्टमाइज करवाना पड़ेगा, आपको
कैप्शंस चेंज करवाने हैं और जो फील्ड टैगिंग है जीएसटी के साथ वो रिप्लेसमेंट इस रिपोर्ट में करवाने होंगे डेवलपर से। तो ये आप इसे क्या कर सकते हो, ये जो रिपोर्ट आप इसे सेंड टू वर्ड कर दो और वर्ड में जाके एडिटिंग करके फिर उसका प्रिंट लेके आप कस्टमर को भेज सकते हो, तो आपको डेवलपर की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इन फ्यूचर फॉर द परमानेंट सोल्यूशन आप एक डेवलपर हायर करके इसमें चेंजेस करके परमानेंटली अपने लिए सोल्यूशन फिट कर सकते हो। तो सारा डिटेल आप चेक करो, आप इसे ड्राफ्ट इनवॉइस के साथ कंपेयर कर सकते हो इस परफॉर्मा इनवॉइस को, तो एक सैंपल इनवॉइस आप भेज सकते हो अपने कस्टमर को और ये आप इनवॉइस पोस्ट करने से पहले जनरेट कर सकते हो। इसके बाद तो आप आफ्टर पोस्टिंग वाला इनवॉइस जनरेट हो जाएगा और अगर आप पोस्ट कर दोगे ये डॉक्यूमेंट तो ये जितनी वैल्यूज आप स्क्रीन पे देख रहे हो अभी ये सिर्फ लाइंस पे खड़ी हैं। अगर हम इनवॉइस पोस्ट कर देते हैं और आफ्टर पोस्टिंग हम एक टैक्स इनवॉइस का प्रिंट लेने की कोशिश करेंगे तो प्रॉब्लम क्या आएगी कि ये जितने भी जीएल्स हैं हमारे कस्टमर का जीएल, टैक्सेशन का जीएल्स और अगर आपने कोई अदर चार्जेस लगाया है तो ये सारे जीएल्स अपडेट हो जाएंगे, सब में वैल्यूज चली जाएगी आफ्टर पोस्टिंग इनवॉइस। तो बिफोर पोस्टिंग इनवॉइस आप एक सैंपल इनवॉइस चेक कर सकते हो यहाँ से और भेज सकते हो, तो ये वर्क इन प्रोग्रेस मोड में होगा। इन द स्टेज ऑफ फाइनलाइजिंग योर टैक्स इनवॉइस होगा, तो इस प्रोसेसिंग इन प्रोसेस सेल इनवॉइस को आप यूज कर सकते हो और शेयर कर सकते हो अपने कस्टमर के साथ। सो आज के वीडियो का पर्पस ये था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।